प्रयागराज कुंभ मेले में गांव देहात से आए श्रद्धालु आंखों का इलाज भी मुफ्त करा सकते हैं। नेत्र कुंभ में लाखों मरीजों का निःशुल्क उपचार किया जाएगा। गैर सरकारी प्रयासों में नेत्र कुंभ के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं के और भी इंतजाम किए गए हैं। इस बार आप कुंभ में सिर्फ पुण्य नहीं बल्कि नेत्र ज्योति भी पा सकते हैं। मेले के दौरान चलने वाले नेत्र कुंभ में आंखों की जांच का रिकॉर्ड बन सकता है। लाखों लोगों के इलाज के लिए देश भर के सैकड़ों विशेषज्ञ डॉक्टर प्रयागराज पहुंचे हैं। मरीजों को चश्मा वितरण से लेकर सारी सुविधाएं मुफ्त मिलेंगी। सक्षम संस्था ने कई संस्थाओं के साथ मिलकर नेत्र कुंभ का आयोजन किया है। सक्षम ने एक नेत्र कुंभ नाम का 2 महीने का 50 दिन का एक कैंप आयोजित किया है, जिसमें देश भर के लगभग 400 नेत्र चिकित्सक कम से कम 5 दिन का समय दे रहे हैं। वह सेवा निःशुल्क दे रहे हैं। उनके द्वारा निःशुल्क जांच परीक्षण होगा, आवश्यकता अनुसार उन्हें निःशुल्क दवा दी जाएगी। नेत्र कुंभ का आयोजन खास तौर पर उन श्रद्धालुओं के लिए किया गया है जो गांव देहात से आते हैं। कुंभ यात्रा के दौरान उन्हें तीमारदारों की कमी न हो, इसलिए कई प्रयागराजवासी मरीजों की देखभाल करने के लिए तैयार हैं। हम लोग की संस्था जो नेत्र कुंभ के साथ में उससे संबंधित उनके कार्यक्रम को पूरा संचालित करने में सहयोग कर रही है, इसका प्रचार प्रसार में सहयोग कर रही है, और जो भी आँख टेस्ट कराना चाहते हैं या चश्मा लेना चाहते हैं उनको भी संस्था सहयोग कर रही है। नेत्र कुंभ के आयोजन से संत समाज भी काफी खुश है। कई संत तो दूर दराज इलाकों में रहते हैं, वो कुंभ के दौरान प्रयागराज पहुंचते हैं। ऐसे में नेत्र कुंभ में कल्पवास के दौरान ही वो अपना इलाज करा सकते हैं। इस देश में 40 लाख ऐसे लोग हैं जिनको अभी नेत्रों की आवश्यकता है। सक्षम ये चाहती है कि उन 40 लाख लोगों तक कॉर्निया पहुंचे, नेत्र अथवा दृष्टि पहुंचे। उस दिशा में एक बड़ा आंदोलन आज सक्षम के द्वारा किया गया। नेत्र कुंभ के साथ ही अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं का जिम्मा भी कई गैर सरकारी संस्थाओं ने लिया है। इन स्वास्थ्य शिविर में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए इंतजाम किए गए हैं। कुंभ में आप तीर्थ यात्रा के साथ उपचार का भी लाभ उठा सकते हैं। नेत्र कुंभ 2019 में कई संस्थाओं ने मिलकर विशेषज्ञ डॉक्टरों की मदद से सैकड़ों लोगों के आंखों के इलाज की व्यवस्था की है। कैमरामैन डीके पांडे के साथ नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, प्रयागराज।